जरूरी नहीं कि माजूरी मजबूरी भी बने। कराची में मैट्रिक का इम्तिहान देने वाला एक माजूर तालिबे इल्म भी है जो दूसरों के साथ इम्तिहानी मरकज आता है। इस बहादुर तालिबे इल्म ने माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, अपनी जिंदगी का रोग नहीं बनाया और हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, आगे बढ़ा और तालीम के हसूल के लिए कोशां हैं। इस बारे में जानेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे अली हसनैन से। अली हसनैन, बताइएगा इस बाहिम्मत और बाहौसला नौजवान के बारे में। जी बिल्कुल, अब्दुल बाकी इस बच्चे का नाम है जिसकी उम्र 16 साल से ज़ायद है और ये इसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया और इल्म को अपना हथियार बनाया है और अब ये मुसलसल पास होते होते आ रहा है और 9वीं क्लास का पेपर आज सिंधी का था, वो ये दे रहा था, जिससे सीनियर वजीर तालीम निसार खोड़ों ने भी मुलाकात करी है और उनके साथ महकमा तालीम के दीगर मुतल्लिका अफसरान भी थे जिन्होंने मुलाकात करी है और ये भी ऐलान किया है कि जब पेपर खत्म हो जाएंगे तो इस बच्चे को तोहफे तहाइफ से भी नवाजा जाएगा। इसके वालिद से जब 24 न्यूज़ की बात हुई तो उसके वालिद ने बताया, मैं अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहता हूं और अपने बेटे पे मैं कहीं कभी मैं हमेशा फख्र करता हूं और अपने बेटे पर कभी मैं मायूस नहीं हुआ, जितना पढ़ना चाहेगा जहां तक पढ़ना चाहेगा मैं इसको पढ़ाऊंगा। जी जरा सी नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बहुत शुक्रिया अली हसनैन।